ये रहा हैप्पी वैली फैक्ट्री। चलो देखते हैं। यहाँ फैक्ट्री देखने के लिए टिकट काउंटर है जो कि 100 रुपया पर पर्सन है। हमारे यहाँ बिंदास देखो जित, और यहाँ से पूरा ही दार्जिलिंग सिटी वगैरह सब कुछ दिखता है। हो गया ना, तभी मजा आएगा। तो कैमरे में तो इधर घूमिए। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा 7वां दिन है और ये लास्ट है, तो आज घूमेंगे और घूम फिर कर यहाँ से आज लास्ट डे, कल निकल जाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल रूम से निकलते हैं और बंद करते हैं। तो चलो चलते हैं। और तो यहाँ हमें टिकट लेना पड़ा जो कि 50 रुपये का है, और ये है गेट नंबर 1, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो चलो, और ये दूरबीन से हम देखेंगे नीचे का नज़ारा। तो चलो देखते हैं कैसा हमें व्यू मिलेगा नीचे, और वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले मैं खुद ही देखता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, और मुझे ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाएगा। तो चलो देखते हैं। और यहाँ से मुझे पता चला कि और आज हम आए हैं बतासिया लोग, जो कि खूबसूरती का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हो, बट मोबाइल कैमरा उतना नहीं दिखा पाएगा जहाँ पे हमने देखा। और यहाँ से पूरा ही दार्जिलिंग सिटी वगैरह सब कुछ दिखता है, मोनेस्ट्री वगैरह। तो इसका पे हमने 50 रुपये किया, और 50 रुपये में पूरा जितना नज़ारा था सभी हमने देखा। तो चलो अभी और भी आपको दिखाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया लोकेशन। और ये आप देखो क्या शानदार व्यू है, और इससे देखोगे ना तभी मज़ा आएगा। तो कैमरे में तो मैं नहीं दिखा सकता, तो चलो दिखाता हूँ कुछ। तो ये रहा बतासिया लूप, और यहाँ से टॉय राउंड करता है एक, ये देखो। तो फिलहाल ये पॉइंट ऐसा ही है, और वहाँ जो है ना वो हमने देखा, 7 पॉइंट दिखाया वहाँ पे, मोनेस्ट्री दिखाया। जो भी दूरबीन वगैरह में देखोगे 50 रुपीज़ देकर, तो वो मज़ा अलग ही है। तो ये रहा, और जहाँ तक हमें मौसम साथ नहीं दे रहा पर सारा खूबसूरती और यहीं पे मज़ा है। देखो ये रहा बतासिया लूप का मार्केट, जहाँ पे आप गर्म कपड़े वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे आप ड्रेस भी ले सकते हो, और यहाँ का ड्रेस पहनकर फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। और ये राउंड पॉइंट है, जो ये देखो बतासिया लूप पे ही टॉय आता है, और टॉय यहाँ से राउंड करके और आगे जाता है, यहाँ का व्यू देखो। और चलो दूसरे लोकेशन पे हम चलते हैं, तब तक हम और यहाँ का जो नज़ारा है उसे फील करते हैं। चलो ये भाई आज मुझे घुमाने लेकर आया है, और पूरा जो दार्जिलिंग का सारा कुछ आज देखने के लिए मुझे मिल सकता है। तो चलो आनंद उठाते हैं इस बढ़िया से प्लेस का, राउंड घूमते। तो वैसे तो वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मौसम जो है, आज टाइगर हिल भी जाने वाले थे पर भाई बोला कि सनराइज नहीं दिखेगा, इसी के कारण हम नहीं गए। तो कोई नहीं, अगर लाइफ में नेक्स्ट टाइम आए कभी तो फिर देखेंगे सनराइज। और अभी फ़िलहाल ये बतासिया लूप का लुत्फ़ उठाते हैं, तो चलिए फुल मज़ा लेते हैं यहाँ का। ये लो डीजल वाला आ गया, और आप देखो कि ऐसे ही राउंड घूरता है, बट ये डीजल है और कोयले के लिए इसके बाद साथ ही आता है, तो शायद अभी आ जाए, वो भी मैं आपको अगर आता है तो दिखाऊंगा। पर ये देखो, और ये देखो मार्केट भी लगा हुआ इसके बीच से निकलेगा, मतलब क्या ही बोलो इसका फील। आप आओ एक बार देखो, तब पता चलेगा आपको, मज़ा ही अलग है इसका। फिलहाल यही टॉय था जो इधर से अभी देखे हो, और इधर से वो राउंड मार के चला जाएगा। और इसका अभी हमें 2 दिन टिकट के लिए आए थे पर मिला नहीं, एडवांस बुकिंग करना पड़ता। अभी हमें यहाँ, हम सोमो से आए तो 40 रुपये भरा, बट इससे आते तो 1000 रुपये भरता, ऐसे महंगा भी है। बट कोई नहीं, मिला भी नहीं तो क्या ही बोलूँ। चलो अभी इधर और थोड़ा इन्जॉय करते और आपको पूरा व्यू देते, फिर चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। और अभी एक गया, दूसरा आया स्टीम का। इधर घूमिए।
चाल हमने अंदर पूरा ही आपको दिखाया, और अभी चलते हैं दूसरे लोकेशन पे और दूसरा लोकेशन दिखाते हैं यहाँ से। देखो तो चलो एग्जिट करते हैं, इधर से एंट्री इधर से, एग्जिट इधर से। अभी हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, और आज हमारा यहाँ लास्ट डे है क्योंकि हम पूरे 1 वीक से यहाँ पे रुके हुए हैं, मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो क्या ही बोलूँ। चलो जो भी है दिखाते हैं कुछ वेज मोमो खानोस खानोस। तो चलो मोमो खाते हैं और फिर आगे दूसरे रूप वे साइड में जाएंगे, तो पहले मोमो खा लेंगे। क्यों, आपको भी खाना है? चलो आ जाओ दार्जिलिंग। चलो लास्ट है, बस बाइक लेते हैं। मैं फिलहाल बतासिया लोक में हमने मोमो वगैरह खाया और यहाँ से जा रहे हैं अभी वापस से, और दूसरे एक लोकेशन पे जाएंगे, वो आपको वहाँ जाकर दिखाएंगे। तो चलिए, थोड़ा यहाँ जाम का प्रॉब्लम जो मिलता ही है क्योंकि रास्ते छोटे हैं, तो चलो कोई नहीं चलते हैं। तो फिलहाल हम सीधा ही चलते हैं अभी रोप वे, और रोप वे से पहले सिंगमारी में थोड़ा देखेंगे वहाँ पे क्या है, उसके बाद आगे का कुछ पता भी नहीं है। चलो फिर चलते हैं वहीं पे, क्या है जो भी है चलो चलते हैं और देखते हैं वहीं पे। फिलहाल हम लोग बेन से नीचे आ गए हैं और ये एक बढ़िया सा नॉर्थ पॉइंट स्कूल है, तो हम चलते हैं अभी रोप वे वहाँ से दिख रहे हैं। ओ चलो चलते हैं रोप वे में और आपको वहीं पे दिखाते हैं, और बहुत औसम प्लेस है स्कूल भी, ग्राउंड अप देखो बहुत बड़ा स्कूल है। और यहाँ पे नोटिस दे रखा है 5 किलोमीटर जाएगा, 40 मिनट का राइड रहेगा, बट हमें अभी नहीं मिला। तो चलो ये सारा रोप वे में जाने के लिए लाइन है, पर कोई नहीं, अंदर नहीं जा सकता, ऐसे जाते देख सकते। तो चलो फिलहाल अंदर जाते हैं और थोड़ा देखते हैं, हमें तो टिकट नहीं मिला, कोई नहीं चलो चलते। फिलहाल तो टिकट नहीं मिला, बट यहाँ से कुछ नज़ारे मिले जो रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जाते समय यहाँ से गुवाहाटी, अपना रोप वे है तो गुवाहाटी पे जरूर इस पे जाऊँगा और गुवाहाटी से ही वीडियो शूट करूँगा। तो चलो चलते। तो भाई ने यहाँ पे सेटिंग किया तो एक जना को दे रहा था, बट वो भी ब्लैक से, तो हमने नहीं लिया, कहा चलो कभी फिर मौका मिला तो कर लेंगे, बट अभी अकेला नहीं करना और ब्लैक से नहीं। तो फिलहाल हमें टिकट नहीं मिला, इसी कारण हम रोप वे नहीं जाएंगे। लाइन भी बहुत ज़्यादा है, क्राउड भी है, टिकट 270 का कैपेसिटी है जो कि फुल भी हो गया भाई, इसी के कारण हम नहीं जा रहे। चलो चलते हैं, और आज हमारा लास्ट डे है तो हम इसे नहीं करेंगे, गुवाहाटी में नेक्स्ट टाइम करेंगे जो कि अपने एरिया में है। तो चलो अभी चलते हैं, गार्डन वगैरह घूमेंगे। भाई को थोड़ा अफसोस फील हो रहा है, भाई का सेट फीलिंग हो गया, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम घूम लेंगे। चलो वो टेंशन में आ गया कि टिकट नहीं मिला। इधर ये टिकट क्लोज काउंटर, ये रहा क्लोज। चलो इधर से साइड से देखते हैं, और लाइन भी कुछ 2 लाइन है यहाँ पे जो कि इधर से जा सकते हैं। तो चलो इस बीच से नीचे जाएंगे और कुछ देखते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है। बंदा परेशान हो गया यार, इतना अपने लोकल लैंग्वेज में ट्राई किया कि टिकट दे दो, एक दे रहा है, पर मैं एक के लिए 2 से 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने सोचा क्यों ही वेट करूं। और ये रहा यहाँ से नीचे जाता, तो ये रहा साइड का व्यू, और हम यहाँ पे थोड़ा देखे उसके बाद हम चलते हैं किसी और लोकेशन पे। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं इधर, कुछ बढ़िया बढ़िया लोकेशन है वो घूमेंगे, और ये वाला रास्ता ले लिया हमने और मज़ा लेते हैं इस शानदार से मौसम का। ये सारा घर दिख ही नहीं रहा है, देख रहे हो, और वो दूर पे तो और कुछ नहीं दिख रहा है, जितने जाओगे उतना कुछ नहीं दिखेगा। वो टी गार्डन से जो अभी हम जाएंगे और कुछ आपको वहीं जाकर दिखाएंगे, यहाँ से मिलना नहीं। और हाँ, यहाँ का भी देखो मौसम क्लियर हो गया, ये बहुत मज़े की बात है कि मौसम क्लियर हो गया, और जॉकेट मुझे खोलना पड़े क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट में ठंडी है 2 मिनट में गर्मी है, ये अलग ही मौसम है। मुझे तो सुबह मिलना चाहिए था ऐसा मौसम कि टाइगर हिल जाते और कुछ बढ़िया सा
पर ऐसा है ना कि टाइम भी साथ नहीं दे रहा है। रोपवे में टिकट नहीं है, टॉय में टिकट नहीं है, टाइगर हिल में भी वही है, वेदर साथ नहीं दिया। अभी क्या ही बोलूँ, चलो चलते हैं। तो चलो नाइट एंगल पार्क देखते हैं अंदर। तो चलो फिलहाल नाइट एंगल पार्क यहाँ से ऊपर जाएंगे और ये भी एक पॉइंट है जो देखने लायक है, तो चलो इसके ऊपर चलते हैं। टू फाइव कितना टिकट? 25। तो चलो नाइट एंगल पार्क के ऊपर चलते हैं। और 25 का काउंटर पे टिकट। प्रॉब्लम हुई है, भाग गया पहाड़ चढ़ते चढ़ते। तो ये रहा पूरा नाइट एंगल जो पार्क है, 25 का टिकट आया। तो चलो अंदर हम देखते हैं कुछ। यहाँ से आप इसको फील कर सकते हो। तो ये रास्ता देखो, और यहाँ अभी मेंटेनेंस का बहुत कमी दिख रहा है, बट कोई नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा फोटो शोटो लिया जाए और फिर गार्डन साइड जाया जाएगा। जो आँखों से दिख रहा है ना, वो मोबाइल से नहीं। अगर आप चाहते हो इसे फील करना तो एक बार ज़रूर आओ दार्जिलिंग। और इसका मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो कितना लगेगा, कॉस्ट में आप आ सकते हो, कितना खर्च पड़ेगा, कितना रूम का पड़ेगा, वो सारा मैं एक वीडियो में अप टू डेट देने वाला हूँ। ठीक है आपको, अभी मौसम क्लियर हो गया था ना, जॉकेट सॉकेट खोल दिया था, बट अभी देखो बारिश शुरू हो गई। ये है पहाड़ों का ज़िंदगी, अभी बारिश मिल रहा है। अभी जॉकेट खोला था, गर्मी हो गया था, बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आया, मान लो ना एक घंटा लगा हमें आने जाने में, घूमने में। अभी इधर बारिश शुरू, ये अभी फ़िलहाल हल्की फल्की बारिश है। और चलते हैं एक टी गार्डन देखते हैं। तो चलो चलते हैं और टी गार्डन और फैक्ट्री जो है उसे देखकर घर पे चले जाएंगे, क्योंकि बारिश तेज होने जा रही है। तो फिलहाल हम आ गए हैं अभी हैप्पी वैली, और यहाँ चलते हैं गार्डन दिखाते हैं। गार्डन कुछ अलग है और पहाड़ों पे है, जो कि हमारे यहाँ तो सीधा ही है। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ का गार्डन देखते हैं और कुछ फैक्ट्री का भी देखेंगे। तो चलो अभी नीचे जाना होगा हमें। ये रहा हैप्पी वैली सिंस 1854। ये रहा गार्डन, देखो कैसे हमारे यहाँ तो सीधा ही होता है ना, और ये प्लेन पे है, ये हाइट पे है देखो। तो चलो अभी इससे और नीचे जाना है और हैप्पी वैली पे एक फ़ोटो हो जाए, उसके बाद नीचे जाके आपको गार्डन दिखाएंगे। ये रहा हैप्पी वैली टी फैक्ट्री, चलो देखते हैं। फिलहाल यहाँ फैक्ट्री देखने के लिए टिकट काउंटर है, जो कि 100 रुपये पर पर्सन है। हमारे यहाँ बिंदास देखो, जितना फैक्ट्री देखना है यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़। तम्बाकू फ्री जो, ये रहा हैप्पी है, चल। ये रहा हैप्पी वैली टी फैक्ट्री, अंदर वीडियो नहीं बनाने देगा तो लूँगा बाहर से। आप देखो 100 रुपये पे करके, और ये टी फैक्ट्री में देखो, जो कि वो अभी म्यूजियम की तरह है, जो रियल हमारे जैसा बड़ा बड़ा ट्रैप है वैसा कुछ नहीं है। तो चलो अभी यहाँ से घर चलते हैं, और आज का लगभग हम सुबह से निकले थे, और सुबह से निकले हुए और 3 बज गया हुआ है। तो चलो चलते हैं, और ये रहा फैक्ट्री। हम 100 रुपये पे करके फैक्ट्री के अंदर गए, बहुत खूबसूरत है और सब मैनुअल है, और हमारे तरफ बड़ा बड़ा ट्रैप वगैरह नहीं है, बट अच्छा है, उन्होंने सब एक्सप्लेन किया, ये ऐसा है वो ऐसा काम करता है, 100 रुपये में बहुत अच्छा बिजली। बारिश आ गया, अभी मौसम क्लियर था, अभी बारिश आ गया। तो फिलहाल हम जब भी घूम रहे थे तभी मौसम क्लियर हो रहा था और ये हो रहा था, अभी लोगों की बारिश आया। तो हम लोग कुछ खाते हैं, और बारिश में यहाँ देखो, तो चलो कुछ खा लेते हैं पहले। तो फिलहाल जो हम लोग चाय वगैरह पीकर, बारिश आया, छत्ता ले लिए और छत के अंदर अभी जा रहे। तो चलो चलते हैं,
और कुछ मॉल वगैरह भी घूमेंगे, और बारिश का कोई ठिकाना नहीं कब आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं। चलो फिलहाल हो गया अपना मसाज, जितना इसने भगाया था सारा पेन क्लियर। तो फिलहाल अभी माल रोड पे है और यहाँ पे हॉर्स राइड ले सकते हो आप। तो फिलहाल मुझे हॉर्स राइड लेना नहीं है और बारिश भी चल रहा है, इसके लिए छाती भी लेकर रखा हूँ। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे और कैसा प्लेस है। आज तो पूरा दिन घूमने में निकल गया। अभी ये है हॉर्स राइड वगैरह, यहाँ पे बिंदास आप ले सकते हो। फिलहाल चलो यहाँ चौरस्ते पे घूम लिया, अभी नीचे चलते हैं। और अभी लगभग कितना बज गया पता है, 5 बज गया हुआ है, सुबह से घूम रहे हैं। तो चलो चलते हैं नीचे।